हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंडे और बेसन की बहुत ही मज़ेदार सब्जी, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप अंडा खाना पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 अंडा लिया है। चारों अंडा को हम एक बाउल में तोड़ करके डाल लेंगे और अब हम इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे। तो ये देखिए, 2 चम्मच हमने इसमें बेसन डाल दिया। अब हम इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। तो इसे आप फॉर्क की सहायता से या फिर विस्कर की सहायता से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल करके इन सबको हम फिर से एक बार अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि ये जो सारा चीज है वो अच्छे से आपस में घुल मिल जाए। अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो पैन में हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल पूरा गर्म है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और अंडे के घोल को हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने सारे घोल को डाल दिया। तो अब हम इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक करके एक साइड से अच्छे से पकने देंगे। जब तक हमारा ऑमलेट रेडी हो रहा है, तब तक हम थोड़े से मसाले को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 6-7 दाने लहसुन के और 2 हरी मिर्च लिया है, जिसे हम ग्राइंडर जार में डाल करके थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट रेडी कर लिया है। तो अब हम ऑमलेट को चेक कर लेते हैं। ऑमलेट जो है वो एक साइड से अच्छे से पक गया है, ये देखिए। तो अब हम इसे टर्न कर देते हैं और इसे हम दूसरे साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए, ऑमलेट जो है हमारा कितना अच्छे से दोनों साइड से पक गया है और ये कितना फ्लफी भी हुआ है, देखिए ये कितना बढ़िया हुआ है ना। तो बस अब हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे एक बर्तन में निकाल करके रख देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम इसकी मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए, ऑमलेट को हमने एक प्लेट में निकाल लिया। अब हम इसे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। साथ ही इसमें हम 1 चम्मच जीरा और 1 छोटा सा तेज पत्ता डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक हम चटकने देंगे। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके रखे थे स्लाइसेस में, उसे डाल देंगे। और प्याज को मीडियम फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है। प्याज को तकरीबन हमने हाई टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक फ्राई किया है। अब हम इसमें मीडियम साइज का 1 टमाटर डाल देंगे, जिसे हमने स्लाइस में कट करके रखा था। और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए प्याज और टमाटर को हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। नमक टमाटर में डाल देने से क्या होता है कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, गल जाता है। तो ये देखिए, 2 मिनट के बाद प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करते हैं।
तो हमने जिस पेस्ट को तैयार करके रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे। मसालों को डालते समय हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये जो हमने पेस्ट बनाया है, इस पेस्ट से सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गोल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। साथ ही हम इसमें कलर के लिए 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्च का इसमें इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं यहाँ पे पाउडर नहीं डाली हूँ क्योंकि ये ज़्यादा तीखा हो जाएगा। अब मीडियम फ्लेम पे ही हम मसालों को 2 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे, जब तक इनसे ऑयल सेपरेट ना होने लगे बिना पानी डाले हुए। तो ये देखिए 2 मिनट तक बिना पानी डाले मसालों को हमने फ्राई किया है, इनसे ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो अब लास्ट में हम इसमें किसी भी ब्रांड का 1 चम्मच चिकन मसाला डाल देंगे। और जिस ग्राइंडर जार में हमने पेस्ट तैयार किया था उसमें काफ़ी सारा पेस्ट था, तो उससे हम 1/2 कप पानी इसमें डाल देंगे। और अब हम मसालों को ढक करके 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे। हमने जो चिकन मसाला का इस सब्जी में इस्तेमाल किया है, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। तो जब तक ये मसाला हमारा पक रहा है, तब तक हमने जो ऑमलेट रेडी किया था उसको पीसेस में कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसे इस तरीके से लंबाई शेप में काटेंगे और उसके बाद हम इसके बीच बीच से टुकड़े करके काट कर लेंगे। ये अंडे की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं और अंडा कम है, तो इस तरीके से अगर आप सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और इस कम अंडे में ज़्यादा लोग खा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने सारे ऑमलेट के पीसेस कट करके रख लिए हैं। तो अब एक बार मसाला को चेक कर लेते हैं। तो मसालों से भी ऑयल सेपरेट होने लगा है, मसालों का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए। इन सबको हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमने जो अंडे को पीसेस में कट करके रखा था उसे हम इसमें एक एक करके डाल देंगे और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती ऊपर से हम डाल देंगे और ढककर हाई फ्लेम पर हम इसमें 1 उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, सब्जी में 1 उबाल आ गया है। अब हम पैन का कवर हटाएंगे और सब्जी जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनकर के तैयार हुई है। तो इस रेसिपी को आप एक बार मेरे बताए गए तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।